सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड। पलामू पुलिस को बड़ी उपलब्धि मिली। सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर दो माओवादी नक्सली सब जोनल कमांडर संतु भुइया उर्फ संतोष भुइया और दूसरा सब जोनल कमांडर राजेश ठाकुर ने आत्मसमर्पण कर दिया है। माओवादी नक्सली संतु भुइया उर्फ संतोष भुइया नौडिहा बाजार का रहने वाला है, जबकि माओवादी नक्सली राजेश ठाकुर नावा बाजार का रहने वाला है। 5 लाख का इनामी माओवादी नक्सली संतु भुइया और संतोष भुइया पर 2 दर्जन से अधिक बड़ी घटनाओं में अलग अलग थानों में उसके मामले दर्ज हैं, जबकि माओवादी नक्सली राजेश ठाकुर पर 0.5 दर्जन मामला विभिन्न थानों में दर्ज है। दोनों नक्सलियों के खिलाफ पलामू जिले के भंडरिया नौडिया पांकी छतरपुर और मदनपुर थाने में मामले दर्ज है। वहीं आत्मसमर्पण के दौरान पलामू आईजी राजकुमार लकड़ा, उपायुक्त ए दोडे, पलामू पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा, गढ़वा पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा, सीआरपीएफ कमांडेंट सुदेश कुमार, आईपीएस ऋषभ गर्ग, एसडीपीओ सुरजीत कुमार, एनडीसी शैलेश कुमार ने दोनों नक्सलियों को माला पहनाकर व बुके देकर व साल उड़ाकर सम्मानित किया। साथ ही सरकार द्वारा प्रदत्त 1-1 लाख का चेक भी प्रदान किया। वहीं आईजी राजकुमार लकड़ा, उपायुक्त ए दोडे और एसपी चंदन सिन्हा ने कहा कि दोनों आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत मिलने वाले इसके परिवार को हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। जान रहे हैं ज्ञात होगा इस रेंज में लगातार पिछले वर्ष से ही 2022 से ऑपरेशन डबल रूल शुरू हुआ। आफ्टर डबल रूल के बाद हम लोगों ने ऑपरेशन ऑक्टोपस शुरू किया और इस दरमियान बहुत सारे अचीवमेंट्स पुलिस को मिले। हम लोगों की सीआरपीएफ और जिला पुलिस की के प्रयास से बहुत सारे उनके जो पॉइंट्स थे, नक्सल अरेस्ट हुए, आर्म्स एम्युनिशन रिकवरी हुआ। प्रायर के दिस इसके पहले भी चकरबंदा एक्सेस पे भी एक अभियान चला था और उस एरिया का जो अभी वर्तमान में ये दो माओइस्ट सरेंडर किए हैं वो जस्ट उसका ही साइड इफेक्ट है और ये सारा का हम लोग का क्यूमुलेटिव एफर्ट हुआ एक तरीके से जिला पुलिस और सीआरपीएफ। और सबसे मैं इसमें मानूंगा कि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होते हुए ही इन लोगों ने इस तरह का कदम उठाया है और सरकार पे झारखंड सरकार पे झारखंड पुलिस पे विश्वास व्यक्त किया है। यह हमारे लिए पलामू के उत्तरी क्षेत्र में के लिए बहुत बड़ी सफलता है। सर क्या कहना सरकार की तरफ से दीजिए। आत्मसमर्पण नीति के तहत 2017 के तहत जो भी इनको दे है बेहतर जो सुविधाएं वो मुहैया हम लोग करा रहे हैं। सरकार का जो 2017 का पॉलिसी है सरेंडर पॉलिसी के तहत अभी हम लोग उनको 1 लाख का चेक भी दिया है और इसके अलावा जो भी सुविधा मिलता है जैसे उनको जमीन देना है हम लोग को और पॉलिसी के तहत उस बच्चे का स्कूलिंग का जो फी है, बच्चे का एजुकेशन की जिम्मा भी सरकार ने लिया है। तो ये भी जो भी सुविधा है उनको मिलना है, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी जल्दी उनको मिल जाए। और मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ जो भी लड़का लोग गलत रास्ते में गए हैं और ज़रूर मेन स्ट्रीम में आ जाइए और हम लोग सरकार की तरफ से जो भी मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन इन लोगों की जो परिस्थिति थी संगठन में ये वहीं पर कहीं पर हथियार, एक तो जो है संतु ने कहा कि हम जो है नवीन जी को हथियार दे दिए थे नहीं, संतु उसमें शामिल नहीं था। संतु कुछ महीने पहले ही अपना हथियार संगठन को देकर भाग चुका था और ये छुप रहा था माओवादी अंदर से। फिर उसने फिर मुझसे संपर्क किया तो मैंने कहा कि तुम सरेंडर हो, हमें तुम्हें पूरी सिक्योरिटी देंगे, आपको कोई माओवादी टच नहीं कर पाएगा। राजेश भी जो है वो संगठन को जो है वहीं पर चक्रबंधा में ही हथियार कहीं पर रख के गाड़ के या किसी को दे के भाग आया, हथियार लेकर नहीं निकला संगठन से। जैसा राजेश ने बताया कि हम कहीं पर वहीं पर जंगल में गाड़ दिए हैं तो हो सकता है कि बाद में हमें रिकवर भी हो जाए, लेकिन अभी ये दोनों बिना हथियार के यहाँ पर आए। वहीं आत्मसमर्पण नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी नक्सली के सब जोनल कमांडर संतु भुइया और राजेश कुमार ठाकुर ने कहा कि
वे अपने निजी समस्याओं को लेकर संगठन में शामिल होकर हथियार उठाने को मजबूर हुए थे। पिछले वर्ष 2015 से नक्सली संगठन में सक्रिय थे, लेकिन संगठन के द्वारा जो प्रलोभन हमें दिया गया था वह संगठन में जाने के बाद पूरा नहीं किया गया। संगठन में शामिल शीर्ष नेता के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, यहाँ तक कि विदेशों में पढ़ते हैं, जबकि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ पाते हैं। हम लोग आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गए हैं। कहा नक्सली संगठन में सिर्फ हम लोगों का शोषण होता है। बताया कि बच्चे और परिवार के भविष्य को बनाने को लेकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं, साथ ही अपने साथियों से भी अपील कर रहे हैं कि वह भी सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत फायदा उठाए व पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करे और अपना जिंदगी स्वयं का जिए। बात ऐसा है कि जो अभी सरकार का जो आत्मसमर्पण नीति चल रहा है उससे प्रभावित होकर और हमारे पलामू एसपी सिन्हा वो हमसे बात किए और हमको मैंने समझाए और मैंने बातचीत किए, इसके चलते उनसे प्रभावित होते हुए हम आत्मसमर्पण करें। हथियार उठाने का कारण क्या था? हथियार उठाने का कारण यह था कि मेरा घर लगभग जंगल की तरफ है और उन लोग आते जाते रहते थे, तो वहाँ पे अगर मैंने बोलते कि कुछ समस्या है तो चलो संगठन में समस्या हल कर देंगे, पैसा देंगे, रुपया देंगे, ये करेंगे, बना देंगे, घर बना देंगे, इलाज करवा देंगे, पढ़ा लिखा देंगे बाल बच्चे लोग के, पर वहाँ पे जाने पर कुछ नहीं होता है। कितने सालों से हैं आप? कब से आप इसमें शामिल हुए? हम लास्ट 2014 में गए हैं, मैं 15 में। अभी संगठन की क्या स्थिति है? अब संगठन का वही स्थिति है कि जो बचे खुचे हैं कुछ लोग वो सिर्फ अपना पैकेट भर रहे हैं। अभी जो वर्तमान स्थिति कोई खास नहीं। अभी जो वर्तमान में मुठभेड़ हुआ था उसमें शामिल थे आप? नहीं, उसमें हम नहीं। चाहते हैं आपके साथियों से जो गोले भटके हुए, जो हमारे साथी लोग गोले भटके हैं, उन लोग से मेरा एक ही अपील है कि जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा आत्मसमर्पण नीति का उसका लाभ उठावें और अपना आन के घर परिवार के साथ में रहें, अच्छा जीवन व्यतीत करें। वही पलामू पुलिस की बात माने तो दोनों माओवादी नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद माओवादी को एक बड़ा झटका लगा है। वही प्रशासन ने भी नक्सली संगठन से अपील की है कि वे हथियार छोड़कर सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत पलामू पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करें। जिला प्रशासन उन्हें सरकार द्वारा दी जा रही सभी योजनाओं का लाभ दिलाएगी।